आशिकी 3 कुछ दिनों पहले ही अनाउंस कर दी गई है। आशिकी 2 जिसमें हमें आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर दिखे थे, दर्शकों को बहुत पसंद आई थी और अब इसका थर्ड सीक्वल भी बहुत जल्द ही देखने मिलेगा। इसके लीड रोल में हमें एक्टर कार्तिक आर्यन देखने को मिलेंगे और अनुराग बासु इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। अब दर्शकों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनके साथ एक्ट्रेस कौन होंगी। आशिकी और आशिकी 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी और आशिकी 3 से भी लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। खबर आ रही थी कि जेनिफर विंगेट को फिल्म के लिए चुना गया है, पर बासु ने इसे गलत बताते हुए कहा कि कास्टिंग अभी खत्म नहीं हुई है। इस बीच फैंस श्रद्धा कपूर को आशिकी 3 में देखना चाहते हैं। फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद बहुत से लोगों ने ट्वीट किया कि वो श्रद्धा को आशिकी 3 में देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कार्तिक आर्यन के साथ काम नहीं किया है और वो एक नए जोड़े होंगे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि ना ही जेनिफर ना ही श्रद्धा इस फिल्म का हिस्सा होंगे, बल्कि मेकर्स किसी नए चेहरे को लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं जो मॉडलिंग और एड सर्किट में हॉट है। उन्हें फिल्म के लिए सही चॉइस कहा जा रहा है और आशिकी फ्रेंचाइज तो पहले से ही नए चेहरों को लॉन्च करने के लिए जाने जाते हैं। राहुल रॉय और अन्नू अग्रवाल ने आशिकी से ही डेब्यू किया था। आशिकी 2 श्रद्धा की तीसरी फिल्म थी और आदित्य रॉय की पहली फिल्म। अब जैसे कि कार्तिक पहले ही स्टार है, फिल्म के निर्माता उनके सामने एक नए चेहरे को लॉन्च कर सकते हैं जो आशिकी फ्रेंचाइज की परंपरा है। खैर, अब हम बस आशिकी 3 के लीड एक्ट्रेस के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इसके लिए किसको चुना जाएगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी ही बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।